जो भी स्टूडेंट इंटर पास करके मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना या मुख्यमंत्री बालिका माध्यमिक प्लस टू प्रोत्साहन योजना के लिए अप्लाई किए हैं तो उसका पैसा आ चुका है। तो आप चेक कैसे कर सकते हैं कि आपका पैसा आया है या नहीं आया है, इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे कि ये एक कैंडिडेट है, मेरे पास ये वाला स्टूडेंट है। इसका यहाँ पे नाम आप देख सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पे ईयर देख सकते हैं। इसी का मुझे चेक करना है। तो कैसे चेक करना है, तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन करना है और आपको इस पेज में आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ आप यहाँ रिपोर्ट्स इसके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए क्लिक है टू व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, इसके ऑप्शन पे आप यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे, जो भी आपका 12 का मार्कशीट में रजिस्ट्रेशन नंबर है उसी नंबर को यहाँ पे फिल करना है और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करते ही देखिए आपका यहाँ नीचे पूरा डिटेल्स खुल करके आ जाएगा। यहीं से आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं और आपका यहाँ स्कूल का नाम आ जाएगा, यहाँ स्टूडेंट का नाम आएगा और यहाँ आपका बैंक पासबुक के हिसाब से आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा। यहाँ आपका अकाउंट नंबर आएगा, आधार नंबर आएगा, मोबाइल नंबर आएगा। तो यहाँ लास्ट का 4 डिजिट आपको शो कर रहा है क्योंकि बाद बाकी ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ये बाद बाकी शो नहीं कर रहा है। उसके बाद यहाँ आपका बैंक अकाउंट का स्टेटस यहाँ देख सकते हैं, अकाउंट रजिस्टर्ड ऑन PFMS के लिए ये अकाउंट रजिस्टर्ड किया हुआ है। उसके बाद यहाँ बेनिफिशियरी स्टेटस में आप यहाँ देख सकते हैं, नेम भी वेरीफाइड है, आधार भी वेरीफाइड है मेरा। उसके बाद बैंक अकाउंट नेम वेरीफाइड है, डेट ऑफ बर्थ भी वेरीफाइड है और यहाँ मार्क्स भी वेरीफाइड है और आधार डेट ऑफ बर्थ भी वेरीफाइड है, फादर नेम भी वेरीफाइड है। उसके बाद यहाँ फाइनलाइज भी आप यहाँ देख सकते हैं, फाइनलाइज किया हुआ है 24/4/2023 को मैंने फाइनलाइज कर दिया था, तो यहाँ पे डेट भी आया हुआ है। उसके बाद यहाँ एप्लीकेशन पेमेंट स्टेटस में आप यहाँ देख सकते हैं पेमेंट डन हो चुका है, UTR नंबर आपका यहाँ पे जनरेट हो गया है। डेट यहाँ देख सकते हैं 21/6/2023 को आपका पेमेंट आ गया है आपके अकाउंट तक। आप अपना अकाउंट भी चेक कर सकते हैं और अगर यहाँ अगर आपका रिजेक्ट हो जाता तो यहाँ रीजन में दे देता कि किस वजह से रिजेक्ट हुआ है, तो उसी हिसाब से आप फिर अपना एप्लीकेशन को दोबारा से करेक्शन कर सकते थे। लेकिन मेरा यहाँ रिजेक्ट नहीं हुआ है, मेरा यहाँ पे पेमेंट डन सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं प्लीज़ चेक योर डिटेल्स बिफोर पेमेंट, यहाँ क्लिक हेयर पे चेक करके आप और भी बेहतरीन से देख सकते हैं, अपना पूरा स्कूल का पेमेंट देख सकते हैं। चलिए हम इस पे क्लिक करके देखते हैं। उसके बाद सबसे पहले यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से अपना कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मेरा प्लस टू हाई स्कूल बी बलरामपुर ये वाला है, इसको हम सेलेक्ट कर लिए और जेंडर में हम फीमेल का ही चेक करेंगे। और लिस्ट नंबर चलिए हम यहाँ 5 लिस्ट तक पैसा आ चुका है, चलिए हम लिस्ट नंबर 3 में चेक करेंगे और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का नाम आएगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका अकाउंट नंबर, उसका IFSC कोड, उसका आधार नंबर, मोबाइल नंबर और लिस्ट नंबर यहाँ पे आ जाएगा कौन सा लिस्ट में आपका पैसा आया है। उसके बाद यहाँ पेमेंट स्टेटस में आप यहाँ देख सकते हैं सेंड फॉर पेमेंट यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे आप कैंडिडेट मेरा देख सकते हैं, ये वाला कैंडिडेट है जो मैंने आपको पहले दिखाया। उसके बाद उसका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, अकाउंट नंबर, IFSC कोड सब आ चुका है और इसका पेमेंट यहाँ पे देखिए सेंड कर दिया गया है। अगर कोई भी इसमें मिस्टेक रहता, अगर आपका पेमेंट नहीं आया है, तो यहाँ किसी भी प्रकार की समस्या के लिए यहाँ क्लिक करें, इस पर क्लिक कीजिएगा इस तरह से। उसके बाद एक नया टैब में आपको रिडायरेक्ट कर देगा और देखिए इस तरह से खुल के आ जाएगा। जो भी रीज़न है आप यहाँ से कंप्लेन करके सबमिट उसको कर सकते हैं। सो इसी तरह से आप अपना मुख्यमंत्री कन्या उत्थान नीति योजना का स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं और अपना पैसा के बारे में जान सकते हैं कि आपका पैसा आया है या नहीं आया है। सो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।